मैंने हेयर इसलिए बांधे क्योंकि मैं हेयर स्पा करने जा रही हूँ। सो चलो आपको भी लेके चलती हूँ। और गाइस बस ये व्लॉग हेयर स्पा वाला नहीं, इसके बाद हम शूट करेंगे, फिर मुझे बहुत सारे काम है वो सब दिखाओगे। सो स्टे ट्यून। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, साहिल के दोस्त का। और यहाँ पे इतनी गर्मी आप सोच भी नहीं सकते कितना टेम्परेचर है आउटसाइड, पता है 38 डिग्री सेल्सियस है। और उसमें मैंने पहना है ये स्वेट, सोचो मुझे कितनी गर्मी लग रही होगी। यार मैंने ये क्यों पहना है मुझे नहीं पता, जो मुझे मिल गया वो मैंने पहन लिया। फाइनली हम सर पे पहुंच चुके हैं, अभी मैं हेयर वॉश करूंगी। आप देख लो मेरा हेयर कितने खराब हो चुके हैं, और फिर मैं दिखाऊंगी आपको इसके बाद होने के बाद। सो स्टे ट्यून। सो गाइस आप मेरे हेयर वीडियो में देखते हो, आप लोगों को लगता है वाओ कितने सुंदर है, पर इसे मेंटेन करना कितना मुश्किल है। आपको पता है कितना दुख झेलना पड़ता है अंदर से, ऐसे लगता है दिमाग की नस फट के बाहर आ जाए, इतने जोर से ये मेरे हेयर खींचते हैं। जरा समझा इन्हें, कमेंट में बताओ, जरा धीरे धीरे करो। टेंशन ही है ये। आपको पता है कि मुझसे ज्यादा टेंशन इन्हें रहता है, मतलब बराबर 15 डेज हो गए ना तो बोलते हेयर स्पा कब करना है, हेयर स्पा कब करना है, मतलब देखा ऐसे चाहिए, पर कोई नहीं। और जितने मेरे बाल अच्छे खासे जिंदा है वो इनके वजह से, इनको सबने थैंक यू बोलो। और गाइस इनके यूट्यूब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक कर देना। गाइस फाइनल में हेयर कट कर रही हूं, नीचे और नीचे और नीचे लो ना, बस मुझे बहुत प्यार है मेरे बालों से। और थोड़ी करेगी क्या, बस ऐसा लुक चेंज होने मांगते ना वीडियोस में, तो सेम सेम दिखाई देता फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ थोड़ा मेकअप में चेंज दिखा। तो मैंने फाइनली मेरे हेयर कट कर दिए है, इतने नहीं इतने, इतनी खुशी हो रही मुझे हेयर कट करके, पर मेरा देख के कोई करना नहीं। हाँ तुम्हारे घर वाले मारेंगे, मेरे तो मार नहीं रहे, पर मैंने कर दिया, इतनी खुशी हो रही मुझे कि क्या ही बताऊं। फाइनली हेयर करके आ रही, अच्छे लग रहे ना। अभी घर पे चलते हैं, कुछ खाते हैं क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और फिर डायरेक्ट चले गए शूट पे। सो गाइस अभी पहले खाना खा लिया, और अभी हम जस्ट आए यहाँ पे शूट करने वाले हैं, और ये मेरा आउटफिट है। हम वैसे तो मैं इतनी सी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि आप मेरे एक्सप्रेशन को ज्यादा प्यार देते हो, और मैं इतना ज्यादा थक चुकी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह से मैं चेयर पे बैठ के थी, वो तो थकानी होती है एक तरीके से, बट मैं तो भी शूट करने आई हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा शूट करूँ। पहले मैं रील शूट करूँगी, फिर व्लॉग शूट करूँगी, फिर घर पे जाएगी, फिर मेरा कुछ आउटफिट का काम है क्योंकि कल मुझे जाना है शादी में, तो इसलिए बहुत सारे काम है। सो स्टे ट्यून, पहले शूट करते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। लव यू ऑल। तू मुझे भुला देना, मैं तुझे नहीं भूल सकती। गाइस आप ही तो है मेरी ज़िंदगी में बस, और कोई भी नहीं। तो गाइस मेरी वीडियो बना के हो गए, इंस्टाग्राम के पूरा शूट हो गया, और अभी तो हमें जाना है, बट मेरा हो गया, अभी मुझे साहिल के साथ वीडियो बनानी है। और गाइस आप सोच भी नहीं सकते मैं कितने लोगों का भला करती हूँ, सच्ची करती हूँ गाइस। जो भी मेरे साथ वीडियो बनाता है ना, माशाल्लाह उनकी आईडी बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप उनकी आईडी पे देख के भी मुझे इतना ही प्यार देते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पुराना ड्रेस है व्हाइट कलर का, मैंने बर्थडे पे पहना था। अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता होगा हम इसे कराएंगे डाई, कौन सा कलर कराएंगे वो आपको कल पता चलेगा या थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। सो स्टे ट्यून। तो गाइस हम आ चुके हैं, और हमारा पैड लगे वो बोल रहे हैं कि कल तक नहीं मिलेगा, और कल ही मुझे शादी में जाने, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो अभी मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया है, वो आएगी, फिर हम उनके साथ शॉप पे जाएंगे, और फिर पता चलता है होगा या नहीं। तो आप प्लीज प्रे करो कि हो जाए, क्योंकि मुझे यही ड्रेस पहनना है, इससे अच्छा ड्रेस मिलेगा ही नहीं। तो गाइस मैंने इतना
इतना ट्राई किया बट मुझे नहीं हुआ। और सब कह रहे थे कि नहीं मंडे को ही मिलेगा, मैंने डिसाइड कर लिया अभी मैं वो ही पहनूंगी क्योंकि वो मेरा फेवरेट था। और गाइज हमने ऐसे भी मतलब शॉप्स में भी ट्राई किया कि कोई बेस्ट ड्रेस मिलेगा या नहीं, तो उससे तो अच्छा भी नहीं था और इतना बड़ा था और अल्टर भी करके नहीं देने वाले थे वो सुबह तक, वही पहनेंगे। और फिर मैं कल आपको रेडी होके मिलूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे जाना है आज शादी में और ड्रेस ट्राई करके मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं गया। मुझे जाना था 5 बजे बराबर, अभी 4:45 बज रहे। देखा आपने, मुझे पहले जाना था शादी में लेकिन मेरी जिंदगी से काम कभी खत्म ही नहीं होता, अच्छी बात है। तो पहले मैं जाऊंगी ब्रांड की एक वीडियो बनाने, वो अर्जेंट देनी है, ऑलरेडी मैं 4-5 दिन लेट हो चुकी हूँ, तो पहले वो बनाएंगे। मैंने शूट के लिए स्वैग को बुलाया, वो आते ही होंगे, फिर वो वीडियो बना के फिर मैं शादी में जाऊंगी और फिर आपको खाना दिखाऊंगी। फोटो इतना मंजर में कैसे लेके जाओगी, यहीं पे बोलो। और ये मेरे लिए अमरावती से आए, थैंक यू सो मच। इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हैं, मैं अकेली तो ना। परेशान मत किया करो उनको ना, मेरी जान कितनी सी और ये जाहिल इंसान, अल्लाह अल्लाह। तो ऐसे करते रहते गाइस, देखो बताओ जरा। और तैयार होके आए तो ऐसे चुड़ैल बना देते मुझे, नहीं मत, मैं नहीं लेने वाली वीडियो, जाओ। मैं एक्शन ही नहीं करने वाली, कुछ एक्सप्रेशन से नहीं, मैं तो जाने वाली बिना वीडियो बनाए, जिगर तुझे पे निसार हुआ, मैं तो जाने वाली, मत लो शादी में इतने छूट, मैं तो जाने वाली। मैं टिक्स नहीं बना रही क्या, पगार तो कौन देता, नहीं रुबाब करते सब जज मरमो अच्छा रहेगा, रहेगा मतलब हमेशा रहेगा। हां मैं बुड्ढी नहीं होगी कभी, बुड्ढी नहीं रहेंगे, एक बार और 4-5 बार कान में बोलो, क्या बोलो, 5 बार तारीफ करो चुपचाप से कैमरे में देख के करो। गाइस इसकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, ये जिसके बाद भी वीडियो बनाती है ना, इतना अच्छा बंदा है ना वो, माशाल्लाह क्या दिखता है, क्या गॉगल साहिल को बोल रहे गाइस, साहिल को बोल रहे कि साहिल इतना क्या दिखता है ना, इतना अच्छा दिखता है। उसके बाद पता है क्या, नहीं ये शॉप में जो कपड़े रहते ना ऐसे ऐसे माशाल्लाह कपड़े रहते ना, तुम खाली उसके शॉप सानिया के दोस्त की शॉप में खाली कपड़े लो तुम, ऐसे भारी भारी शॉप में। और गाइस इन्होंने मेरे दोस्त की तारीफ की है, ये मेरे दोस्त नहीं है, दुश्मन है ये मेरे, पहली बात ये। जितना ज्यादा लेट हो चुका है गाइस, आपको पता है कि मैंने कल क्या किया था, मैंने सुबह उठते बराबर है ना, सुबह उठते बराबर स्वैग की वीडियो देख ली ना, इसलिए मेरा दिन ही अच्छा नहीं जाता, अब कल से नहीं देखूंगा। और ना हम मेले में गए थे ना, एक पंडित ने बोला था मेरे को कि जो तुम्हारे साथ लड़का है उसके साथ 4-5 दिन उसकी शक्ल मत देखो, तुम्हारा राहु काल चल रहा है। सो गाइस अभी इतने टाइम में 1 घंटे बाद हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं वापस से मेकअप तो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद है, पर इतना भी मेकअप करना नहीं पसंद है, तो हम डायरेक्ट शादी में जाएंगे अभी तुरंत। Talking English for yourself, bro. No, talk to my hand. चलो गाइस अभी ने बात तो कर ली, अभी चलो।
लगेगा कि मैं आते बराबर खाना खाने बैठ गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं स्टेज पे गई, मैंने मतलब पूरे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और अभी मैं खाना खा रही हूँ। इनसे मिलो, ये है टीचर्स, इसके करोड़ों नाम है गाइस, हर फ्रेंड को अलग अलग नाम बताता है, बट ये अच्छा दोस्त है। कुछ बोलना चाहोगे मिस्टर तेजस? आपके सामने क्या बोलते? सो गाइस, आप पूछ रहे होगे कि हम किसकी शादी में आए, तो ये मेरे फ्रेंड है देवेश, इनके सिस्टर की शादी है। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, थैंक यू। क्यों थैंक यू? आए इसलिए? आप आए इसलिए, और कुछ नहीं। गाइस, इन्हें हिंदी नहीं आती है, मराठी आती है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। तो मराठी में बोलो, तुम्हें मराठी आती तो। पर रबड़ी नहीं इधर। वो क्या रहता? आपको नहीं मालूम, जाने दो। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे हमारी शादी हो चुकी है, हमारी मतलब उनकी शादी हो चुकी है, और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने गर्मी की वजह से खाना ही नहीं खाया, बट इट्स ओके, वैसे भी मैं थोड़ा सा ही खा। मैं आपको मेरे एक फ्रेंड से मिलाती हूँ, जिसने मुझे आज, ये है दीपाली, माय फेवरेट पर्सन। हाय गाइस, ये ना मेरी स्कूल से फ्रेंड है और बहुत अच्छी। गाइस, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो जाओ जल्दी से जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। लव यू ऑल, थैंक यू।